अस्सलामुअलैकुम। ये हम तैयार हो गए हैं और अभी हम वेलकम पे जाने वाले हैं। चले आज आशिर भाई को भी देखें। कासिम भाई आप कहें गर्मी कितनी है? आप किस तरह इसने 12,000 रुपया किराया पूरा करना है आईफोन का। लॉ बना रहे हैं फिर से, हम भी बना रहे हैं आज। मेरे ब्लॉग में भी आएगा। उमेर बहुत पसीना आ रहा है तुझे वेलकम पे, क्या हो गया? पसीना तो आना है, अब गर्मियों में रखी है तो अंदर आ जाए। इसी में आ रहे हैं बस, फोटो शोटो ले रहे हो। ये हमारा फोटोग्राफर सर यार, फर्स्ट ईयर। सर क्या बात है, क्या बात है, कैंच नहीं है आपने? नहीं सर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप सर हम आपके कमरे में आए थे, वेलकम पे। और हम कमरे में आए, चांद लग गए हैं, देखे नजर तो नहीं आ रहे वैसे। आपको नजर नहीं आ रहे, हमें चार चांद नहीं नजर आ रहे, चार चांद नहीं नजर आ रहे, 40 आ रहे हैं। वैसे इनका सिस्टम हमारे वाले सिस्टम से अच्छा हुआ था ना, तो बड़ी खुशी होती है जब जूनियर का कोई अच्छा होता है। जी बट साहब आपको कैसा लग रहा है? सर कैसा लग रहा है वेलकम पे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको कनी साहब सर अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें आज हरी से ये हाशिम साहब स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जी ये है हमारे टीटे बच्चे। मेरे बात ही करनी, क्यों नहीं करनी क्या बात है, बता। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक्स। तुम लोगों का भी मुकाबला तो बनता है। बचना ए हसीनों तो मैं आ गया, बचना ए हसीनों तो मैं आ गया। क्योंकि दिल शिकारा अभी भी तेरा जान से प्यारा, अभी भी हमें चमका दिल सादा, कदी कदी यार ये पटियाल भी। I swear to God, इतना प्यार शायद ही आपको किसी पे आए जितना सिया पे आता है जो मैदान जंग से फतेह याब। अरे मेरा मतलब एचओडी के ऑफिस से टेस्ट कैंसर करवा के आता है।
आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे, सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे, अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। जो दिल में आता है समझ में नहीं। जी बिल्कुल, ये शमीर बादशाह नहीं बल्कि हमारा अपना मल्टी टैलेंटेड तहा साहब है। अस्सलाम वालेकुम CMH। चाहत फतेह अली खान को बुलाया गया एनेटमी डिपार्टमेंट में हिस्टो के वाइवा के लिए। उनको बोला गया, सामने डॉक्टर तैयबा बैठी थी एज यूजुअल, उन्होंने कहा चाहत साहब आपको सेल की कोई टाइप्स आती हैं? चाहत फतेह अली खान ने तो सबसे पहले कहा कि मैं ग्रीटिंग्स ले लूं, अस्सलाम वालेकुम। उनसे बोला गया सेल के नाम तो बताओ, तो वो शुरू हुए ग्रैनुलर ग्रैनुलर ग्रैनुलर। लेकिन अभी ये सब चल ही रहा था तो पीछे कहीं लाइन में बोहिमिया भी थे, वो लाइन में बैठे थे, उनका डॉक्टर गुल के पास वाइवा आ गया। डॉक्टर गुल हस्पे मामूल एक पर्चे और एक पेंसिल के साथ अपने डेस्क पे बैठी थी। आते साथ उन्होंने बोला कि लो जी मुझे पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बोहिमिया हो गया कंफ्यूज होकर, उसने क्या किया, जो खोलिए मैं हिस्ट्री की किताब, न रहा मेरा आगे पीछे था, मैनू कोई हिसाब, मैं हो गया लाजवाब। इस कंडीशन में नाना पाटेकर सीट पे थे, उनको उठाया गया, उनको बुलाया गया, बताओ भाई क्या चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो किसी ने नहीं बताया था सोहेब को जगा के, इधर कच्चा है लगता है, सारे कुछ पी कर आए हो, बताते ही नहीं हो कैसा है, ए मजनू बोलना। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये हुआ कि बिलावल को हम किस तरह भूल सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। वो कंफ्यूज हो गया ये सब देख के कि MBBS में उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने हॉस्टल के रूम में गया और वहां जाकर उसने एक ही बात की, मैं किधर जाऊं, मैं किसको बताऊं अपने दिल का हाल, मेरे पापा भी नहीं आए इधर मुझे सुनने के लिए। अबरारो लक्का किस किस को पता है? अब्दुलरहमान कैसे हैं आप ही अब्दुलरहमान है। अब्दुलरहमान ने जब अपना इंस्टा पेज बनाया तो सबके पास जाके एक ही बात कहते थे, प्रीतम मेनू फॉलो कर ले नीले बेबे ना सिला कर ले। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज होइजा बतूल एंड स्पाइडरमैन ऑफ आवर CMH एहसान अंसारी। CMH में रेसिज्म बहुत है यार, उसकी जिंदा जीती जागती मिसाल ये, क्लास में लड़की खा रही हो तो लेस, और लड़की खा रही हो तो लेज, लड़का खाए तो पापड़, या लड़की खारिश करे तो स्किन एलर्जी, लड़का खारिश करे तो उसे कहते हैं तू नहांदा नहीं। जहां इनकी GR की बात हो रही है तो हम इनके CR को कैसे बोल सकते हैं यार। आहत किधर हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आहत है, मैं जेलम से आया हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था। चिल सीन है ब्रो, चिल सीन है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोगों ने मुझे CR इलेक्ट किया है तो पार्टीज होएंगी, स्पोर्ट्स होएंगी, एंटरटेनमेंट होएगी। चिल सीन है ब्रो, चिल सीन है। यार अगर यही बातें ज़िया सुन लेता तो उसका किस तरह का रिएक्शन होता? ओ भाई जूनियर्स को ये किसने बताया कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ? अली यार मैं तुझे कहता था इन्हें ना सर पे चढ़ा, माना कि मुझसे नहीं कुछ होता लेकिन तुम लोग तो खींच के रख सकते थे ना इसे। वो जनाब साहब हाजी इनको समझा ले, मैं बता रहा हूँ मुझे गुस्सा आ गया ना तो इनकी खैर नहीं है। शिराज पूरा नाम क्या है तुम्हारा? सॉरी पीर शराज युब चिश्ती। पर गोरिये गबरू तो वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू तो फिर जट दा प्यार गोरिये, देख बॉलीवुड विच जिन्ने खाने ने ओदा विच पैंदा सरदार गोरिये, गबरू तो वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू तो फिर जट दा प्यार गोरिये। Oh,
की देखो जो फट लावली आईया तो मां पै गई ना तू चंडीगढ़ तो आई नी डेंचे पूजा ऑफ बैच 27 कैसे कहूँ मैं तुमसे कोई कोई ना है तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है मास्टरपीस को बुलाना चाहिए फॉर सेकंड ईयर MBBS ज़िया अता ऐसे अकेले गाते हुए मुझे शर्म आएगी तो आप सब भी साथ गए तो ज़्यादा बेहतर है तो कौन कौन साथ गा रहा है फिर तो फिर तू जो मिला सुना होगा सबने आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली Thank you so much. On the stage, the Nani Wala of Bash 27, Abdul Rahman. Asir Khan Jaan of Bash 27. Amma kacha macha macha kacha macha kacha badam deko kacha badam. Amma kacha macha macha kacha macha kacha badam deko. यार आपको मुझे देख के नजर आ रहा है कैसी लग रही है हालत तो बहुत बुरी है अच्छा क्या मतलब बुरी हालत है क्या मतलब क्या बोल रहे हो बुरा लग रहा हूं ये बोलना चाह रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं इसकी बात कर भाई सर समी की हां जी आपको वेलकम इसकी बात कर रही है यार आइसक्रीम नहीं मिली क्या आइसक्रीम नहीं मिली ओए हो ये तो दुख की बात है सर आपने पहले आना था और ना पूछा मुझसे और ये थम्स अप थम्स अप बहुत अच्छी थी ठीक है मैंने खुद डांस किया मुझे बहुत मजा आया लेकिन मेरा एक शिकवा है मुझे ना गुलाब जामुन मिला है ना मुझे आइसक्रीम मिली है मैं लिटरली मैं आइसक्रीम खाने के लिए आया गुलाब जामुन खाने के लिए मुझे दोनों नहीं मिले जी यार बेटी जी यार किधर है अपनी मस्ती में गुलाब जामुन मिली किसने गुलाब जामुन खा ली था कमाल की वेलकम दी है कंपैरेटिवली जो हमें मिली थी उस हिसाब से हम काफी अच्छे अच्छे सीनियर साबित हुए ग्रेट मेहनत की थी सो ये फॉर फ्लैश मॉब एंड एवरीथिंग यस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड 26 तेरे जान सर बेशुमार बेशुमार 26 तेरे जान सर बेशुमार हेलो
बाद में ना कहना कुछ भी पहले ही दे दूँ वार ले पार्टी चले तो हसीना तो वारा भी करी ना तो धुमन पूरा वीवर है झड़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 सारे